कौन जी, गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आपको थंबनेल देख के तो आपने देखा ही होगा कि सिरामिक पॉलिश कराने हम जा रहे हैं थार का। पर वो हम क्यों कराने जा रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमारे वहाँ जो गाड़ी साफ करने जो भैया आते हैं ना, तो उनके हाथ में ना बड़ा सा मेटल का जो कड़ा है वो पहनते हैं। तो हमें भी नहीं पता था कि उसकी वजह से हमारे बॉनेट के ऊपर बहुत सारे स्क्रैचेस हो गए। तो मैंने जस्ट कल देखा, तो फिर मैंने सोचा कि ये क्या हुआ। तो फिर मैंने वहाँ कमिटी में बात किया, उसके बाद जो कैमरे लगाए हमारी सोसाइटी में वो चेक करवाए। तो चेक करवाने के बाद पता चला कि कोई टच तो नहीं किया है, बस खाली जो भैया आते हैं ना, वो जो साफ करने वाले, उन्होंने ही साफ किया है। तो उनको बुलवाया तो देखा तो उनके हाथ में जो कड़ा पहना था ना मेटल का, उसकी वजह से ये सब स्क्रैचेस हुआ है। तो अगर आपके घर पे कोई आते हैं साफ करने के लिए तो एक बार देख लीजिए उनके हाथ में कड़ा है कि नहीं, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, आपका पेंट बहुत डैमेज कर देगा, जैसे मेरा हालत हुआ है। अब इसके चक्कर में मुझे सिरामिक पॉलिश कराने जाना पड़ रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो कितना सारा स्क्रैचेस किया है उन्होंने। देखिए पहले तो ये वाला उनसे ही हुआ है, ठीक है, ये बड़ा स्क्रैचेस, और कल रात को ही ये वाला स्क्रैचेस हुआ था। अगर कैमरा में ठीक से दिखा पाऊँ तो आप देखिए, ये जो दिख रहा है ना पूरा, ये वाला देखिए, ये सब स्क्रैचेस ना उनकी वजह से ही हुआ है। काफ़ी सारे स्क्रैचेस उन्होंने कर दिए हैं, तो आज उनको ही बुला के हमने उनको बोला। देखिए इधर भी स्क्रैचेस किया हुआ है काफ़ी सारे, जब कैमरा में इतना फोकस नहीं कर रहा होगा। तो हमने उनको बुलाया और उनको बोल दिया कि भैया अगर आपको कड़ा पहन के काम करना है तो आप रहने दीजिए, हम खुद ही साफ कर लेंगे। फिर हमने उनको मना बोल दिया कि भैया कड़ा निकाल के ही काम कीजिए अब, क्योंकि ये हमें नहीं पता है। और वो भैया ना बहुत सारी मतलब सोसाइटी की जो बहुत सारी गाड़ी है ना वो सब साफ करते हैं, तो सब में किया ही होगा ऑब्वियसली, अब सब नोटिस करने ही वाले हैं। क्योंकि मैंने जस्ट बताया उनको सबको, तो कमिटी ने बोला कि हम चेक करते हैं किस किस की गाड़ी पे हुआ है। तो भैया को मैंने बोल दिया है अभी तो कि अगर आपको कड़ा पहन के करना है तो आप कल से मत कीजिएगा, अदरवाइज कड़ा निकल के साफ कीजिए, क्योंकि उसके चक्कर में अभी मुझे जा रहा हूँ मैं सिरामिक पॉलिश के लिए, तो उसमें भी पूरा दिन निकल ही जाएगा अपना। और वो भी मैं आपको बताऊंगा पूरा डिटेल में कि सिरामिक पॉलिश का प्रोसेस क्या होता है और आप कितने तक होता है, क्या प्रोसेस है, कौन सी गाड़ी का कितना लगता है। क्योंकि हमारा ये ना प्लास्टिक वाला रूफटॉप है तो इसमें तो ऊपर आएगा नहीं, पर अगर आपका गाड़ी जो ऊपर मेटल वाला है जो, उसमें तो आपको कराना ही पड़ेगा। तो हमारा ये नहीं है तो वो हिसाब से देखते हैं कितना प्राइस लगता है, पर गाड़ी बड़ा है तो उसके हिसाब से शायद ज्यादा भी लग सकता है, वो तो वहां जाके ही पता चलेगा। मैं जा रहा हूँ अभी निकोल के बाजू में है नरोड़ा, वहां पे शॉप है, तो भैया जानते हैं शायद, तो इसीलिए हमने उनसे बात किया, उन्होंने बोला आप आ जाइए हम कर देंगे। तो मैं आपको जाके वहां बताऊंगा, उनका शॉप भी बता दूंगा अगर आपको किसी को कराना है या आपके बजट में आता है। क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह इंक्वायरी किया तो मुझे सबसे बेटर रेट इनका ही लगा था। तो देखते अभी तो फिलहाल मैं जा ही रहा हूँ, ये जस्ट आपको बताने के लिए रुका था। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप वीडियो देखते हैं तो अच्छा लगता है, और जिन्होंने कर दिया है उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो अभी फिलहाल चलिए चलते हैं उनके शॉप पे और वहां जाके फिर आपको प्रोसेस बताता हूँ। आफ्टर और बिफोर दोनों में फर्क आप देखेगा बहुत सारा है, वो आपको देख के ही पता चल जाएगा। और जैसे प्रोसेस होता है ना वो भी आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे ये काम होता है सिरामिक पॉलिश का। क्योंकि मैंने उनको पीपीएफ का पूछा था पर उन्होंने बोला कि पीपीएफ स्टार्टिंग ही 95 से हो रहा है, मतलब सोचिए 95,000 से स्टार्टिंग हो रहा है। तो अभी तो फिलहाल अपना इतना बजट था नहीं, तो इसीलिए हमने सोचा कि पहले सिरामिक पॉलिश करा लेते हैं, फिर एक साल तक देखते हैं, उसके बाद फिर करा लेंगे। तो एटलीस्ट ये जो छोटे मोटे डैमेज है ना वो रिकवर हो जाएंगे और जो होने वाले हैं वो एटलीस्ट कम होंगे, तो वो सोच के ही हम जा रहे हैं। चलिए फिर उनकी शॉप पे ही पहुंच के आपसे मिलते हैं।
फिलहाल तो मैं आ गया हूँ न्यू नरोड़ा, तो हमने सिरामिक पॉलिश के लिए उनसे बात किया है, तो उसका प्राइस तो मैं आपको बाद में बताता हूँ उनसे बात करने के बाद। 20,000 के आसपास उन्होंने बताया है। तो फिलहाल उनका शॉप का नाम है क्राउन्स कार स्पा है, तो एक मिनट में आपको बता देता हूँ। ये अपनी थार जा रही है अभी गैरेज के अंदर काम करने के लिए, अंदर ले जाएंगे, पहले इसको वॉश करेंगे, उसके बाद 3-4 बार कोटिंग होगा। और ये उनके शॉप का नाम है क्राउन कार स्पा। तो अगर मैं नंबर भी आपको यहाँ पे शो हो ही रहा है, अदरवाइज़ फिर भी मैं आपको मेंशन कर दूँगा। अभी ये वॉश करने के लिए अंदर ले जाएंगे, जितना कवर होगा उतना मैं वीडियो बनाऊँगा, उसके बाद फिर ये तो पूरा दिन ही जाएगा इसमें, तो देखते हैं। तो अभी तो अंदर ले गए हैं वो वॉश करने के लिए, तो वॉश हो जाएगा, उसके बाद 2-3 बार वो अलग अलग कोटिंग लगाएंगे तो ही कम्प्लीट होगा, और इसमें पूरा दिन जाएगा। तो गाड़ी उन्होंने बोला हमको रात को 9 या 10 बजे को हमको रिसीव होगी, तो ड्रॉप तो वो करा ही देंगे हमें, और 20,000 के आसपास कुछ लगेगा उनसे बात किया। उसमें रूफ में भी थोड़ा बहुत पॉलिश आ जाएगा, जिनसे जो अपना जो वाइट हो गया ना रूफ थोड़ा बहुत, तो वो भी एकदम डार्क ब्लैक हो जाएगा। और गाड़ी अभी फ़िलहाल तो अंदर ले गए हैं वॉश करने के लिए, चले देखते हैं कैसे वॉश करते हैं वो फ़िलहाल तो। इनका नाम है राजा भैया, जो हमारा गाड़ी का पूरा क्लीनिंग और कोटिंग तक का सब काम यही करेंगे। तो राजा भैया, आप क्या बता रहे थे कि ये जो अपने कर रहे हैं कोटिंग करने के बाद 3 दिन तक कुछ नहीं करना है इसको? कुछ नहीं करना, कपड़ा भी नहीं मारना, धोना भी नहीं है इसको, ओके। और ये कितने मतलब कोटिंग लगेगा? 3 कोटिंग लगेगा क्या इसके ऊपर? 7 लेयर कोटिंग आता है। अच्छा, ये सिरामिक की बात कर रहे हैं, उसमें 7 लेयर कोटिंग आता है। और ये देखिए पूरा एकदम अच्छे से उन्होंने कर दिया है वॉश, अभी फिलहाल एकदम क्लीन होगा गाड़ी, उसके बाद ही कोटिंग का काम चालू होगा। वॉशिंग करने के कितने टाइम बाद होगा? वॉशिंग के कितने टाइम बाद चालू होगा कोटिंग? आधे घंटे घंटे में। आधे घंटे में, ठीक है। बाद में वॉश करके पूरा सिरामिक कोटिंग चालू होगा। ओके, तो आप आएंगे ना ये क्राउन कार स्पा में, तो आपको राजा भैया यहाँ मिल जाएंगे, और इनके जो ओनर है कुलदीप भाई, है ना? ओके, तो कुलदीप भाई भी आपको मिल जाएंगे, तो आप अगर वो नहीं है तो आप राजा भाई से मिल सकते हैं। पूरा गाड़ी अच्छे से साफ कर रहे हैं, पहले एकदम क्लीनिंग होगा उसके बाद ही, देख रहे हैं एकदम अच्छे से। क्या वाह भाई वाह, मजा आ गया।
राजा भाई, ये क्या पूरी गाड़ी में ही मार्किंग होगा क्या? पूरी गाड़ी में होगी। अच्छा, जहाँ जहाँ पे आपका वो पॉलिश करना है उसके बीच में जो आ रहा है उसमें ना? क्योंकि मशीन प्लास्टिक प्रोटेक्शन के लिए प्लास्टिक छोला है। अच्छा, बढ़िया, स्क्रैचेस ना इसके लिए उन्होंने किया है मार्किंग। दोनों तरफ ही कर रहे, इधर ये कर रहे हैं और इधर ये भैया कर रहे हैं, तो दोनों तरफ ही कर रहे हैं। ये कुछ उनका वर्कशॉप ऐसा है जहाँ पे गाड़ी अंदर ला के करते हैं, पूरा एसी वैसी चालू रखा है ताकि अगर फैन चलेगा ना तो उससे धूल मिट्टी चिपक ना जाए उनको पॉलिश करने के टाइम, तो इसीलिए एसी में ही काम हो रहा है। बढ़िया ही है, गाड़ी को भी शांति और ये जो काम कर रहे हैं उनको भी शांति। ये ऊपर ये लाइट है ना, उसकी वजह से आपको सोलमार्क से यहाँ पे दिखते हैं, अगर आपको कैमरे में दिखता है ना तो मैं बताता हूँ आपको। ये वाले पोर्शन जो है ना यहाँ पे बहुत सारे हैं, देखिए अभी प्रॉपर दिख रहा है ना आपको ये, तो ये जो कोटिंग होगा ना उसके बाद ये सारे निकल जाएंगे। इधर भी ये बड़ा सा स्क्रैचेस है यहाँ पे, ये वाला तो ट्राई करेंगे ये जल्दी निकल जाए, क्योंकि ये थोड़ा डीप हुआ है ना तो इतना ज़्यादा जाएगा तो नहीं, फिर भी वो ट्राई करेंगे जितना ज़्यादा हो पाए। ये ऊपर लाइट की वजह से आपको प्रॉपर दिखता है, अभी आप देखिए गाड़ी का ये स्क्रैचेस इतना दिख रहा है ना, यहाँ से प्रॉपर आ रहा है, कोटिंग हो जाएगा ना उसके बाद पूरा ही चला जाएगा। हाँ राजा भाई, इसमें कौन से लगेंगे तीन? पहला स्टेप आएगा कंपाउंड का। अच्छा, ये वाला? हाँ, ओके। कंपाउंड आता है, माइनस स्क्रैचेस और बड़े बड़े स्क्रैचेस निकालने के लिए। ये करने में कितना टाइम लगेगा आपको? एक वाला जो है ये कंपाउंड, हाँ, वो आपको पूरा रब करने में कितना टाइम लगेगा? एक से डेढ़ घंटा। एक से डेढ़ घंटा इसका लगेगा, ओके। उसके बाद ये आता है दूसरा वाला सुपर फिनिशिंग ग्लॉस कोट, ओके। वो सब ये सोलमार्क्स वो सब निकाल देता है, ओके। उसके बाद फिर ये थर्ड वाला आएगा, हाँ, थर्ड वाला T40 आएगा, T40। हाँ, तो मतलब तीनों लगेंगे। एक लगाने में आपको एक से डेढ़ घंटा मिनिमम लगेगा, तो मतलब साढ़े तीन घंटा मतलब आपको अराउंड 4-5 घंटा तो आराम से लग ही जाएगा ना। ठीक है, प्रॉपर रैप करके निकाल देंगे, उसके बाद इसके ऊपर पॉलिश किया जाएगा, वो मैं आफ्टर और बिफोर आपको पहले से बता दूंगा। ये पहले जितने पार्ट्स में ना स्क्रैचेस थे ना वो पहले प्रॉपर ही घिस रहे हैं, उसके बाद ही ये पॉलिश होगा उसके ऊपर। ऑलरेडी उन्होंने मास्किंग तो कर ही दिया है पूरी गाड़ी में, देखिए आप प्रॉपर लगा के ही रखा है उन्होंने, ताकि आप अगर वो पॉलिश करेंगे ना तो यहाँ पे टच नहीं होगा ब्लैक वाले पार्ट में, पूरी गाड़ी में ही कर दिया है। अभी आप चेक करके ही बता रहे हैं ना दोनों में डिफरेंस, अभी डिफरेंस आप चेक करके ही बता रहे हैं ना, तो फर्स्ट वाला जो कंपाउंड था वही करके हमें बता रहे हैं एक में कितना डिफरेंस आ रहा है। एक रहेगा ये वाला हिस्सा और एक ये वाला, चमकना शुरू हो गया है, आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, ये वाला हिस्सा देखिए और ये वाला देखिए, तो अभी इसमें ना जो आपको जो तीन चीज़ दिखाया था ना वो तो बॉडी के लिए था, पर इसका प्लास्टिक के लिए भी अलग से एक चीज़ आता है जो ये बता रहे हैं भैया, ये है प्लास्टिक प्रोटेक्टेंट। तो ये वाला चीज़ लगाने से ये जो प्लास्टिक वाला हिस्सा है ना, कार में तो बहुत सारा प्लास्टिक यूज है, तो ये वाला जो प्लास्टिक वाला हिस्सा है ना वो सारा इससे पॉलिश करेंगे तो ये एकदम डार्क ब्लैक हो जाएगा, ताकि ये जो अभी धूल मिट्टी लग के कैसा एकदम वाइट वाला हो जाता है ना वैसा नहीं होगा, चलिए इसे तो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ये चल सकता है। भैया ने अभी करके तो बताया है, अभी इन्होंने एक ही लेयर किया हुआ है, इसमें भी इतना साइन आ गया है, और ये वाला हिस्सा देखिए आप, यहाँ का स्क्रैचेस देखिए सोलमर्क, और ये वाला हिस्सा देखिए, अभी तो एक ही हुआ है, अभी तो और दो लगेगा, उसके बाद पता नहीं कितना प्रोसेस होगा तब जाके ये साइन करेगा, देखते हैं फाइनल रिजल्ट तो क्या ही आता है बाकी। तो आपको दो पार्ट दिख रहे हैं ना, उसमें ये वाला जो पार्ट है ना उसमें ऑलरेडी पॉलिश उन्होंने कर दिया है, तीन लेयर किया है, अभी थोड़ा बहुत बाकी है पर फिर भी
टेम्पररी उन्होंने बताने के लिए कर दिया है, और ये वाला जो है वो बाकी है। तो आप देख लीजिए दोनों में डिफरेंस, एकदम साइन में आ गया है और स्क्रैचेस वाला अभी भी दिख रहा है सोल मार्क्स। देखिए अब ये वाला उन्होंने कर दिया है पूरा पॉलिश, दोनों में डिफरेंस ऑलरेडी आपको पता चल ही जाता होगा। तो ऐसा पूरी गाड़ी के ऊपर होगा तो पूरा चेंज ही हो जाएगा इसका लुक। तो विशाल भाई ने हमें बताया डिफरेंस दोनों में करके, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कैसे डिफरेंस आप चेक कर सकते हो, क्योंकि ऐसे अगर आप देखोगे ना नॉर्मल से तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आपको डिफरेंस लाइट के थ्रू ही आप देख सकते हो, और वो विशाल भाई हमें बता रहे हैं कि कैसे करते हैं। मैं भी आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे डिफरेंस आप चेक कर सकते हो। हाँ विशाल भाई, आप बताइए कैसे करते हैं ये। अच्छा ये वाला लाइट है ना, ठीक है ये वाला, ये उन्होंने ऑलरेडी कोटिंग कर दिया है, ठीक है टेम्पररी दिखाने के लिए तीन पॉलिश उन्होंने किया है, और ये वाला पेंडिंग है। तो दोनों में आप डिफरेंस देख लीजिए, यहाँ पे लाइट का आप थ्रो देखिए, और उस तरफ जब ले जाएंगे तो उसका थ्रो देखिए, विजन में आपको पता चल ही जाएगा। फिर भी ये तो कैमरा है, अदरवाइज आप खुद देखेंगे ना तो आपको ऑलरेडी अच्छे से पता चल जाएगा। इस तरफ थोड़ा ला दीजिए, ठीक है देखिए इसमें थोड़ा ब्लरी हो रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे ना जो कोटिंग किया है वो पेंडिंग है यहाँ पे, और इस तरफ कर दिया है इसीलिए वहाँ पे लाइट जा रहा है तो एकदम क्लियर हो रहा है। तो यही पूरी गाड़ी में अगर हो जाएगा तो सोचिए कितना शाइनिंग आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक भैया आए तो गाड़ी रिवर्स लेते हैं तो जो टोन आता है ना अपना गाड़ी का, जो म्यूज़िक बजता है बहुत बढ़िया खींच रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता दिया ये वाला उनका वर्कशॉप है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, एड्रेस मैं मेंशन कर दूंगा स्क्रीन के ऊपर। ऑलरेडी कैब बुक कर दिया है, बहुत गर्मी है और टाइम हो रहा है एक, गाड़ी मैंने यहाँ ड्रॉप कर दिया है, शाम को यही अपने घर पे ड्रॉप कर देंगे अखबार नगर पे, क्योंकि यहाँ पर तो उनको शाम तक टाइम लग जाएगा, तो वहाँ तक तो हम बैठे रहेंगे नहीं। तो अभी हम निकलते हैं, और फिर ऐसा हो तो घर पर गाड़ी आएगा ना, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि अभी और बाद में क्या डिफरेंस है। तो अभी मैं कैब का वेट कर रहा हूँ यहाँ पे, भैया आता है फिर चलते हैं। द नेक्स्ट डे, तो हाँ जी गुड मॉर्निंग, आज है दूसरा दिन। तो कल रात को 10 या 11 बजे के आसपास गाड़ी हमें रिसीव हुआ था, तो अब रात को तो अंधेरे में क्या ही बताते, तो इसीलिए आज दूसरा दिन है। तो अभी मैं जाके वीडियो शूट करके इसी वीडियो के अंदर कनेक्ट कर दूंगा, तो एक ही वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस पता चल जाएगा जो कल हमने वहाँ गाड़ी दिया था और जो हमें रिसीव हुआ है। तो जितने भी सोल मार्क्स या स्क्रैचेस थे वो सारे हट गए हैं, वो मैं देख चुका हूँ, तो आपको भी मैं बताता हूँ वीडियो के थ्रू। और वो जो अभी जो गाड़ी है ना उसके साथ साथ मैं आपको पहले के स्क्रैचेस और जो सोल मार्क्स वाला वीडियो फोटो या वीडियो जो भी था वो मैं ऐड कर दूंगा, ताकि आपको प्रॉपर पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस आया है दोनों में। पहले यहाँ पर कितना स्क्रैचेस था, अभी एकदम क्लीन हो गया है, एक स्क्रैचेस इधर भी था, यहाँ पे भी था, माइनर ही था, अभी छोटा सा दिख रहा है आपको, पहले बहुत बड़ा था, आपने आगे के फ़ोटो में देखा होगा, तो ऑलमोस्ट ठीक हो ही गया है। तो कुछ ऐसा दिख रहा है अपना गाड़ी, चारों तरफ से आप देख लीजिए एकदम शाइनिंग वाला कर दिया है उन्होंने प्रॉपर कोटिंग करके, जैसे लग रहा है ना जैसे नया लिया है। आपने पूरा वीडियो तो देख ही लिया, और कैसे हमने काम करवाया है और कैसा काम करवाया है आपने सब देख ही लिया है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, बाय बाय।